जो पेशेंट की कंडीशन है ना वो स्टेबलाइज हो चुकी है मुझे नहीं पता उसने क्यों डिसाइड करा सुसाइड करने के लिए उसे अच्छे से रिकवरेट करना होगा ओके इतने सारे साल हो चुके हैं वो जो के साथ एक्सीडेंट हुआ था और उसने चूज़ करा सुसाइड करने के क्योंकि डेथ एनिवर्सरी पे वो केयरली एम कर रही है हांति की तरफ ये यही तुम क्या कर रहे हो क्या तुम डैडी को अकेला छोड़ने वाली हो मैं भी जीना नहीं चाहता ये इसके फादर हैं डैड तुमने उन सब ने मुझे क्यों बचा सिर्फ मुझे मरने देते मैं और जीना नहीं चाहती मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास अभी मैं हूँ क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी तुम इतनी हार्टलेस हो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा डैड मुझे माफ़ कर दीजिए मैं बीमार हो चुकी जीने से तिल मुझे मेरे भाई की याद आ रही है मैं उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ ठीक है रोना बंद करो किन नी और उसके फादर अकेले ट्राई कर रहे हैं ताकि वो हाथ तेलन को याद दिला दें कि इनके जो दर्द का कारण है ना वो वही है ऐसा लगता है जो किंग है ना सिर्फ तेलन का सपोर्ट नहीं चाहते वो उनकी फैमिली का पार्ट भी बनना चाहते हैं तो क्यों तुम यहाँ क्यों हो तैन और मैंने सुना कि तुम मुसीबत में हो तो हम यहाँ जल्दी से है ताकि हम चेक कर सकें मुझे लगता है तुम ये देखने हो कि मैं मरी तो नहीं मैं तुम्हें तो देखना नहीं चाहती गेट आउट ऑफ हेयर गेट लॉस्ट ये वो मिस्टर खान की गर्लफ्रेंड है तुम क्या कर रही हो मैं उससे नफरत करती हूँ वो मुझ पर हंसने आई है वो उसके पास बुरी इंटेंशन है तिलान मैं उसे देखना नहीं चाहती उससे मुझे दूर रखो क्या तुम ये एक बोली है मिस किन आप शायद मुझसे नफरत करते होंगे बट ये फेयर नहीं है कि कहने का कि मैं एक बोली हूँ हम दोनों ही बड़े हैं और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती हो क्या मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ इसके लिए एक सेकंड के लिए रुकिए मिस मैं जोयान और मिस मैं जोयान हूँ और मैं मैं स्किन का ना थेरेपिस्ट हूँ मैं स्किन बहुत ही डिप्रेस्ड है बट जो आपने कहा ना वे हट कर सकते हैं प्लीज़ अपने वर्ड्स है ना संभाल के बोलिए मिस्टर सो आपका यहाँ कैसे आना हुआ आपका क्या मतलब है बहुत डिप्रेस्ड है मिस्टर आण, मिस्टर के ये ना मेरे एक महीने पहले आई थी थेरेपी के लिए मैंने रियलाइज़ करा था वो बहुत डिप्रेस्ड है और वो उसकी लाइफ है ना कभी भी ले सकती है मुझे माफ़ कर दो मैं आपको चिंता नहीं करवाना चाहती थी तो इसीलिए मैंने आपसे छुपाया मिस्टर आनमी स्किन क्या हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं ये डायग्नोसिस है ये कि मेंटल हेल्थ के तुम आप देख सकते हो कब से एक महीने पहले वो मेरे पास आई थी और हमने बहुत बातें करी और फिर मुझे पता लगा इसके पूर्ण मेंटल हेल्थ के बारे में वो सच में वो फैक्ट जाने नहीं दे पा रही कि क्यों ना गुजर चुका है वो नॉर्मल तो लग रही होगी और इसकी वजह से वो जो उसका जो प्रोजेक्टर लव है ना वो मिस्टर हन की तरफ हो चुका है उसने बहुत ही सहा है जब उसे पता लगा कि आप दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे से वो डर है वो डर रही है कि मिस्टर है ना उसे छोड़ देंगे इसीलिए उसका जो डिप्रेशन है ना और बुरा बन गया तो अब हम क्या कर सकते हैं मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ना डिस्टेंस रखना चाहिए जब तुम उसके पास हो उसके जो बॉटम्स हैं ना लाइन्स उस पुश करने की कोशिश ना करें एटलीस्ट उसे कुछ टाइम दें ताकि वो रियलिटी को समझ सकें क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्टेंस रखना होगा जब तक कौन जा कब तक अडाप्ट कर पाएगी क्या होगा अगर ये हमेशा के लिए ऐसे हो जाए कि मैं तेलेंट के साथ हमेशा से ही दूर रहूँ डॉक्टर साहब आप बता क्यों नहीं देते कि हम ब्रेकअप कर लें हुँ? मिस तो मैं सिर्फ एडवाइस ही दे सकता हूँ जो मेरे पेशेंट की तरह मोरवर उसका जो भाई है ना वो मिस्टर हान की वजह से मारा ये रिजनेबल है न, मिस्टर हन कि वो उसे प्रोटेक्ट करें उसके ऊपर गिल्ट मत डालो क्या तुम एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट नहीं हो क्या तुम बता नहीं सकते जो फीलिंग्स है उस टैलेंट की तरफ और उसकी भाई और सिस्टर के ऑब्सेशन नहीं है वो एक ऑब्सेशन है आदमी की तरफ सिर्फ तुमने फेल नहीं होगी कि तुमने उसे प्रॉपर काउंसिल भी नहीं करा तुम उसको जो ये जो काउंसलिंग का पाया था ना तुमने और इसको डिस्ट्रैक्ट करा तुम यहाँ आए हो हमारे साथ एक फेक रिपोर्ट के साथ और हम सब उसको पागल बनाना चाहते हो तुम्हें क्या तुम्हारे पास इतनी घटियान टेंशन है मिस तुम्हें जानता हूँ कि ये आपको अनकम्फर्टेबल बना देगा बट ये ही सीख है तुम्हें लगता तुम थोड़ा कोल्ड हार्टेड हो मैं आपको अपने एडवाइस दे चुका हूँ इसे लो या मत लो मैं अब जा रहा हूँ well इसकी बातों पे ध्यान मत दो हाँ मैं करूँगी मुझे लगता है तुम्हें भी थेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए जो तुम पे बोझ है ना वो बहुत ज़्यादा है तो मैं हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए मैं जानता हूँ बट मैं कुछ नहीं कर सकता अगर वो अपने आप को मेरे वजह से मानने की कोशिश करें मिस्सता हूँ आपकी जो प्रेजेंस है ना मेरी डॉटर को अनइजी फील करवा रही है प्लीज़ उसका ट्रिगर यूज़ मत करें मैं सिर्फ उसके साथ कुछ मिनट्स बात करना चाहती हूँ चिंता मत करो मैं उसका ट्रिगर पूछ नहीं करूँगी ऑल राइट फिर तुम क्या बात करना चाहती हो क्या तुम बहुत प्राउड हो मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो क्या तुम्हारा आइडिया यहाँ पे सिर्फ हम दोनों तो ना है तो क्या तुम प्लीज़ प्रटेंड करना बंद करोगे है मैं बहुत डिप्रेसड हूँ याद है ना तुम मुझसे कैसे गुस्सा दिला सकते हो केयरफुल रहना तेरे शायद गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें डंप कर देगा तुम्हें क्या लगता है एक फेक रिपोर्ट तुम जेवन से करवा सकती हो और वो तो तुम्हारी मदद करेगी इतना कोई जो इतना डिप्रेशन से सहा है मैं जानती हूँ इसके बारे में क्यों कि क्या होता है डिप्रेशन जब वो किक करता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली चिंता मत करो मैं रिकॉर्ड नहीं करी तुम्हारा जो फैमिली है ना वो उसे एक्सीडेंट को यूज़ कर रही है फ्री लोड ताकि वो फ़ॉरन क्रॉप से किन कॉरपोरेशन को स्टेबलाइज कर सके ये टाइम है रुकने का तो हमेशा ही कहते हो कि तुम हैं को पसंद करते हो बट मुझे लगता है ये ऐसा नहीं है तुम उसे पसंद करती हो या उसके पैसों को ज़्यादा तुम वो बहुत लॉयल हो और बहुत ही काइंड है तुम्हारी फैमिली के तरफ और तुम लोग ना बार बार अपने बेनिफिट के लिए वो गिल्ट उसके ऊपर डालते जा रहे हो तुम्हें क्या लगता है वो ही कंटिन्यू करता रहेगा इसके साथ गेट लॉस्ट मैं टैलेंट पे बोझ नहीं हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को मुझसे लेने की गो टू हेल क्या मैटर है मिस तो क्या आप प्लीज़ ही बट कैसे कह सकती हैं आप यहाँ वेलकम नहीं है प्लीज़ अब जाओ क्या तुम जल गई क्या तुम ठीक हो मैं डैड मेरे रास्ते में मत आइए मुझे सिर्फ मरने दीजिए और फिर मैं टैलेंट पर बोझ नहीं रहूँगी मुझे सब छोड़ रहे मैंने क्या गलत कराया कि मैं सच में इनका आँखों में काटा हूँ मिस्टर अनिया आइए जल्दी मदद कीजिए ये शांत हो जाइए मुझे माफ़ कर दो तक मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों करा तुम तो मतलब तुम जल्दी वापस आएगा मुझे लगा था कि ये सिर्फ़ तुम्हारे रहते ही वहाँ सोएगी क्या तुम जल गई थी वहाँ पे मैं ठीक हूँ को दोबारा देखने मत जाना क्यों मिस्टर क्या आप अभी चिंता कर रहे हो कि मैं उसको जो डिप्रेशन डिप्रेस पेशेंट को ना फिर से परेशान करूँगी मैं नहीं चाहता तुम इसके अगेंस्ट जाओ बट उससे ज़्यादा इम्पोटेंटली मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हट हट हो उससे क्या तुमने सच में बिलीव कर दिया कि मैंने वो सारे वर्ड्स कहे थे कि नहीं नहीं जो तुम्हें बताया है मैंने टोंग फैमिली के साथ इतने लंबे तक फाइट करी है मैंने ऑलरेडी सीख चुकी हूँ कि अपने आपको कैसे प्रोटेक्ट करें सुन लेना इसे और फिर देख लेना कि मैंने सच में ही कहा था जो क्यों डिजर्व करती है मरने को क्या तुम अभी भी गुस्सा हो क्या तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहोगे मुझे बताओ जब से ही मैं पैदा हुआ था लोग हैं ना मेरे पास सारे उनके पास सेल्फिश मोटिव्स होते हैं सेल्फिश डिसीजन होते हैं ठीक है वो मेरे फेम के ऊपर आते हैं या फिर मेरे फॉर्चून के लिए संचार क्यों है ना वो मेरे सच में दो अच्छे भाई थे सच्चे भाई थे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे अगर रुई रु की डेथ भी नहीं होती तो मैं अभी भी उनकी फैमिली की मदद करता अब तो ये और ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर ये कुछ ऐसा करती है मैं सिर्फ उसे ऐसा छोड़ नहीं सकता बट क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारे एडवांटेज ले रहे हैं उस एक्सीडेंट की वजह से वो सच में तुम्हारे केयर के बारे में नहीं है बट वो सपोर्ट के बारे में सिर्फ मुझे थोड़ा और टाइम दो मैं मेक श्योर करूँगा कि प्रॉपरली हैंडल करूँ तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मीनिंग कर दे क्या मैं उससे कंपेयर भी कर सकती हूँ अपने आप को एक हफ़्ते बाद तेल मैं तुम्हारे लिए हाई टी लेकर आई हूँ बैठ जाओ ते लाइन क्या तुम सरप्राइज नहीं हो कि मैं डिस्चार्ज हो गई डॉक्टर ने तुम्हारे डॉक्टर ने ना मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया और वो क्रिटिकल नहीं है तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल में दो या तीन दिन रह रहे थे बट तुम हॉस्पिटल पूरे वीक से हफ्ते तक थी तो तुम अब ठीक होगी तिल लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी इतना क्या अनरी है तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करोगे और मेरा खुद का भाई ना मुझे हर दिन विजिट करने आता देन क्या तुम एक अच्छी बहन हो तुम्हारा क्या मतलब है इससे तोंगे मेरी गर्लफ्रेंड है तुम्हें उसके रिस्पेक्ट करनी होगी अगर तुम नहीं जानते उसके रिस्पेक्ट करना तो मैं केयर नहीं करता कि तुम मेरी बहन हो या नहीं तो वजह से मेरा भाई भी अपने भाई को इसके इसके अंदर लाना बंद करो तुम तुम्हारा भाई नहीं हो वो मेरी गर, और वो भी मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे देखना नहीं चाहेगा तेन क्या तुम बता नहीं पाते कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मेरे पास आई हैव अ क्रश ऑन यू तो तुम टंगे के साथ क्यों रहो उसके पास मोटिवेट है उसने उसके खुद के फादर को जेल में डाल दिया तो तुम उसके जैसे के साथ कैसे रह सकते हो गेट आउट तुम कोई जगह में नहीं हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा बोल सको मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे तुम बेटर है कि और कोई ट्रिक्स ना खेलो ताऊँगी तो सिर्फ तुम देखो मैंने तो तुम पे ताने भी नहीं मारे थे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी तरफ आके दिखाने की क्या तुमने सब कुछ सुन लिया मैंने कुछ भी नहीं सुना मैं चाह ये पार्टनरशिप है ली कोपरेशन के साथ मैं नगोशिएट करूँगी एक गुड प्राइस आपके लिए तुमने अच्छा काम कराई तुम रिवॉर्ड में क्या चाहते हो ये तुम पर है बॉस तुम कहाँ जा रहे हो मेरे को अभी भी मेरी रिसर्च फिनिश करनी है तो मुझे वापस जाना है और कंटिन्यू करना है कैसे याद भी है कि आज इसका बर्थडे है तैलन कहाँ है बत्ती गई तेलन यहाँ पे बत्ती गई है या हैप्पी बर्थडे तुम ओ राइट right. आज मेरा बर्थडे है तैलान तुम बहुत अच्छे हो मैंने तुम्हारे डेज़र्ट भी बनाया है ये अगर ये कैंडल्स बुझाओ और एक विश करो ओके आई विश मैं तैलन के साथ हमेशा रह सकूँ ऐसे ही यहाँ बैठो और मैं तुम्हारा डेजर्ट लेकर आता हूँ थैंक यू मिस्टर हान यहाँ पे कुछ भी नहीं है जब ऐसे मेरे पास हस्बैंड और मैं कुछ चाहूँ तो मैं किसने मैसेज भेजा तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो सीजिया तुम गाइस बहुत क्लोज हो तुम जानते हो ना कि सीजा मेरे सीजिया मेरे एक भाई की तरह है मोरवर उसने मुझे मेरी बर्थडे विशेष सेंड करें हैं और तुम उसके साथ ऑफिस में भी डील कर रही थी वो सिर्फ काम था ऐसा जैलस मत हो चलो खाते हैं एक मिनट रुको ये तो देखो हु? प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट मुझे पता लगा कि तुम्हें घर पसंद है तो मैंने ना ये तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिया ये बेटर है ना उन ब्लैसिंग से जो फूजिया ने भेजी है राइट ओ तेरी हाँ तेलन का तुम क्रेजी मेंशन है ना हंड्रेड मिलियन की है ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में से एक है जिससे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करती हो तुम्हें ये नहीं चाहिए यस मैं चाहती हूँ मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम इतना ज़्यादा पैसा मुझ पर स्पेंड कर जाओ तो ये कैसा फ़ील हो रहा है awesome, ये मोस्ट लग्ज़रियस बर्थडे प्रेजेंट है जो मुझे अभी तक मिला है हैप्पी बर्थडे मैं बहुत हैप्पी हूँ अब चलो कुछ एक साथ करते हैं हैप्पी है, है ना तुम्हें क्या चाहिए अगले दिन ओह ये दस बज चुके हैं हाँ जग जाओ हम लेट हैं हमने इतनी सारी क्रेजी चीज़ें करी लास्ट में अदरवाइज़ जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो मुझे अलाउ नहीं करती इतना लेट उठने पे थोड़ी देर के लिए और सो जाइए तुम्हारा तो है तो मैंने तुम्हार मांगे। मैं तुम्हारे लिए छुट्टी मांगी है मैं तुम्हें बाद में बाहर लेकर जाऊँगा ये अच्छा है मेरे डियर मिस्टर हैं जो सरप्राइज़ है ना वो सच्च में मुझे डरा रहा है मैं सर्वेंट से कहा है कि वो ब्रेकफास्ट प्रपेयर करें अगर तुम सोना नहीं चाहती तो तुम वॉशिप कर सकती हो अब ओके एक प्राइवेट प्लेन तुम तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तो तुम्हें पता लग जाएगा जब हम वहाँ जाएंगे। आ जाओ क्या तुम तो खुद ड्राइव करोगे रिलैक्स मेरे पास पायलट लाइसेंस है यहाँ पे कुछ है जो मैं कर सक यहाँ पे कुछ है जो तुम नहीं कर सकती मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें जानने हैप्पी बर्थ टाइम स्टाउ है ये वाला ट्रांसलेक्शन है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें प्यार पे कमेंट करना ना भूलना और कैसे मेम्बरशिप भी लेना ना भूलना थैंक यू